हे गाइस, वेलकम टू द आशिमा शो। दोस्तों, इस बात में कोई दोराय नहीं है कि चाइना का ध्यान गलवान घाटी या लद्दाख पर ही नहीं है। कोरोना वायरस पेंडेमिक से हमें ये तो पता चल गया है कि चाइना नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर है और वो हर उस जगह पर हावी होने की कोशिश करता है जहां उसे मौका मिलता है। और चीन की ऐसी करतूतों के हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि साउथ चाइना सी में जो चाइना ने किया अपना कब्जा करने के लिए। चाइना ने इंडिया भूटान के रिलेशंस खराब करने की कोशिश की, 18 देशों के साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं, और अब जो लद्दाख में हुआ वो ऐसा ही एक उदाहरण है। और ये एक ऐसा मैटर है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं की जाती हमारे टीवी न्यूज डिबेट्स में, क्योंकि काफी अनकंफर्टेबल सवाल उठाता है इस तरह का मैटर कि क्यों घुसाए, कितनी आगे तक आ गए, और सरकार इस मैटर पर हमेशा की तरह मोस्टली चुप्पी साधे ही है। इंडिया और चाइना के डिस्प्यूटेड लैंड पर 45 साल बाद पहली बार किसी की जान गई है, और कारगिल के युद्ध के बाद भी ये पहली दफा हुआ है कि किसी दूसरे देश की फौज के साथ आमने सामने की लड़ाई में हमने इतने सैनिक खोए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगी कि क्या है इंडिया चाइना का डिस्प्यूट, क्या हुआ था लद्दाख को 16 जून की शाम को, और क्या मकसद है चाइना का ये सब करने के पीछे। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज बताती हूँ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसे हम कहते हैं LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख और इंडिया के बीच के बॉर्डर को हम कहते हैं LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब LOC और LSA के बीच कुछ क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं। LOC काफी क्लियरली डिफाइंड है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को पता है कि कहां पर ये बाउंड्री लाइन लाई करती है, लेकिन LAC वाली लाइन क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इंडिया LAC को अलग तरह से डिफाइन करता है और चाइना अलग तरह से, जिसकी वजह से LAC पर एक ओवरलैपिंग टेरिटरी बन गई है। अब इस इमेज को अगर आप देखें तो कुछ ऐसा है कि इंडिया कहता है कि ब्लू डॉटेड लाइन तक हमारी बाउंड्री है, और चाइना कहता है कि रेड डॉटेड लाइन तक हमारी बाउंड्री है, और ये बीच वाला एरिया है ग्रे एरिया। दोस्तों, रियलिटी में ग्रे एरिया कोई बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। अगर लद्दाख में पैंगोंग लेक की बात करें तो वहां का ग्रे एरिया सिर्फ 10 किलोमीटर का ही है लेंथ में। तो ये ग्रे एरिया वाला मामला तो कई सालों का है, लेकिन अभी वाली सिचुएशन आम तौर पर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, आज के टाइम में जो चाइनीज इंट्रूजन्स की बात की जा रही है वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों की जा रही है। पहला एरिया है पैंगोंग लेक, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। दूसरा एरिया है गलवान रिवर वैली लद्दाख में, और तीसरा है हॉट स्प्रिंग्स नियर कोंगो पास। जिसमें सबसे ज्यादा खराब हालत है वो है गलवान वाले एरिया की, जहां अभी इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स की मुठभेड़ हुई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना 2 से 3 किलोमीटर इस गलवान वैली के अंदर आ चुका है और हाइट पर एरिया को ऑक्यूपाई कर चुका है। इंडिया के लिए डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि अगर कोई हाइट पर होता है तो उसके लिए नीचे अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और सबसे जरूरी बात आपको बता दूं कि गलवान वैली में तो कोई ग्रे एरिया भी नहीं है। यहाँ LAC की मार्किंग बहुत क्लियर है दोनों देशों के लिए, विदाउट कंफ्यूजन। तो जो चाइनीज आर्मी ने गलवान वैली में इंट्रूजन किया वो एक्चुअल में इंडियन टेरिटरी में किया गया था। तो चाइनीज ने यहाँ पर अपना खुद का क्लेम लाइन वॉयलेट किया है। असल में वहां हुआ क्या था, सरकार की तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं आया है। जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इनडायरेक्ट सोर्सेस से ही है। तो बात शुरू हुई थी 15 जून की सुबह से। भारत और चीन के बीच बटालियन कमांडर स्तर पर बातचीत हुई थी, जिसमें डिसीजन लिया गया था कि दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे, जिसका मतलब था कि अब इस एरिया में तनाव को खत्म किया जाएगा। और चीनी सैनिकों ने इसको फॉलो भी किया, और ये मीटिंग हुई थी गलवान घाटी में ही। ये सब था 15 जून की सुबह तक का हाल। अब शाम को कर्नल संतोष बाबू अपने साथ 50 सैनिकों को लेकर देखने गए थे कि कहीं चीनी सैनिक वापस तो नहीं आ गए, और वो उस एरिया में चीनी सैनिकों द्वारा बनाए पत्थरों के ढांचों को तोड़ने लगे। इतने में ही 250 चीनी सैनिक वहां इकट्ठा हो गए, और जब वो फिर से इंडियन टेरिटरी में एंटर करने लगे तो भारतीय सैनिकों ने उनका रास्ता रोका, लेकिन उनको रोकना मुश्किल था। वो नहीं रुके, उनके हाथों में नुकीली कीलों वाली लाठियां थी। बस फिर दोनों तरफ से सैनिक भिड़ गए, और ये मारपीट गलवान नदी के किनारे हो रही थी। ऐसे में वहां कर्नल संतोष बाबू के अलावा चाइनीज आर्मी के ऑफिसर्स भी प्रेजेंट थे। 15 जून की इस लड़ाई के बाद 16 जून को सुबह इंडियन आर्मी के 1 कर्नल और 2 जवानों के शहीद होने की खबर आई, लेकिन रात तक खबर आ गई थी कि 3 नहीं 20 जवान इस भिड़ंत में शहीद हुए। रात का टाइम होने की वजह से
रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी काफी दिक्कत आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ सोल्जर्स के बंधक होने का भी संदेह है, पर कुछ कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। एक और संदेह जो हो रहा है वो है कि कुछ शवों पर गोलियों के निशान भी मिले हैं, पर इस बात पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्योंकि इंडिया चाइना का ये डिस्प्यूट अरसे से सॉल्व नहीं हुआ था, तो डर था कि कभी भी एक्सट्रीम वॉयलेंस दोनों देशों के बीच हो सकती है। इस खतरे को कम करने के लिए 1993 में इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर एक सेटलमेंट करी कि अगर LAC को लेकर कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो पहले बैठकर पीसफुली बातचीत करके इस मैटर को सुलझाया जाएगा। LAC पर घातक यानी कि डेडली वेपन्स लेकर नहीं जाया जाएगा, और अगर किसी देश की आर्मी इन बॉर्डर्स के रूल को वॉयलेट करती है तो वार्निंग के बाद उस आर्मी को वापस जाना पड़ेगा। इसीलिए इंडियन आर्मी ऐसे टाइम पर निहत्थी थी। इस झड़प में चाइना को कितना नुकसान पहुंचा है उसका गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बयान नहीं आया है। ये इन्फॉर्मेशन ना तो इंडियन आर्मी के पास है, ना ही चाइना के मीडिया में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई है। US इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ये पब्लिश किया है कि चाइना के 35 सैनिकों की मौत की खबर मिली है। अब भारत की तरफ से सिर्फ लद्दाख को ही नहीं LOC के पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को अलर्ट पर रखा गया है। चीन इस वक्त इंडिया की कितनी टेरिटरी पर बैठा है, सैडली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं हो रही है। लेकिन पूरे देश को सरकार से ये उम्मीद जरूर है कि हमारे 20 सोल्जर्स की शहादत का बदला जरूर लिया जाए। जरूरी नहीं अटैक करके ही बदला लिया जाए, बल्कि इस मैटर को पीसफुली सॉल्व करके इसको इंतजाम तक पहुंचा के, ताकि फ्यूचर में हमारे सैनिकों को ऐसी शहादत ना देनी पड़े। मैं और मेरा पूरा भारत हमारी सेना पर गर्व महसूस करता है, जो दिन रात हमारी देश की सीमाओं पर हमें सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, आप अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करें कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप से भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।